back to my channel. Or it's lunchtime. हाथ पे लग रहा था, शिट, मेरे नेल्स पे लग गया पैरों के. आज हैं टेस्टी से दाल चावल. मतलब शुक्र है आज मैं घर का नहीं हूँ, बाहर का नहीं रही, क्योंकि बस अब बहुत हो चुका था. काफ़ी अर्से बाद मैं खा रही हूँ दाल चावल. मेरा नेल लगा है, मुझे यहाँ से लग रहा है कि ब्लीडिंग, यहाँ पे मेरा ना पाँव लगा है, मुझे लग रहा है यहाँ से मेरी ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन शुक्र है बच गया. अब अपने हाथ धो लेते हैं. ये दर्द हो रहा है, खैर अपने हाथ धोते हैं हम पहले. भूख लग रही बहुत. चलो अब थोड़ा सा हम लेते हैं अचार. ये अचार आ गया, इसको मिक्स करते हैं एंड लेट्स टेक अ बाइट. फिर से बात खा रही हूँ मैं. और हाँ, आज तो मदर्स डे है, मुझे याद आया मैंने मम्मा को विश तो कर दिया है, लेकिन लेट विश किया है. मुझे 12 बजे याद ही नहीं था, मैं सुबह उठी तो मुझे याद आया कि आज मदर्स डे है. मैंने जैसे मम्मा को विश किया, मम्मा नाराज़ थी, मतलब नाराज़ नहीं थी, थोड़ी सी ऐसी थी, अच्छा याद आ गया आई हो. तो अब आई एम प्लानिंग कि क्या करूँ. तो मैंने प्लान किया है, अब देखते हैं घर जाके आप लोगों को बाकी प्लान बताती हूँ. ठीक है, इसको मैं खा लूँ. मुझे खाने के साथ कोक की एडिक्शन हो गई है. लाइक मतलब गर्मियों में ये होता है, मतलब पहले गर्मियों में चाय पी लेती थी, लेकिन अब मैं कोक पी लेती हूँ साथ. और खाने के बाद जरा ये कोक वगैरह पी लो ना, तो डाइजेशन ऐसा लगता है हो गई है, मतलब यहाँ पे नहीं रहता, डाइजेस्ट हो जाता है. लेकिन आई थिंक आई शुड अवॉइड इट, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं था, आई शुडंट, मैं नहीं कह रही कुछ भी वरना रोकनी पड़ेगी, फिर और एडिक्शन हो जाती है. खैर अभी बस ये खाते हैं. चलें जी, मैंने खा लिया है, इसको पैक कर देते हैं. स्पून अंदर ही रहेगा जी, यहाँ पे आएगा, इसको पैक करते हैं. बस थोड़ी सी कोक भी रह गई है, इसको ख़त्म करके मैं अंदर जा रही हूँ. सनसेट चेक करें गाइस, लुक एट द सन, इतना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बॉल है. तो गाइस आई एम बैक होम. जैसे कि मैंने बताया था कि आज है मदर्स डे, और मम्मा को मैं लेके जा रही हूँ बाहर आइसक्रीम खिलाने, क्योंकि मम्मा का मूड ऑफ था. मम्मा ने, क्योंकि मैंने बताया ना, मैंने लेट विश किया, मम्मा कहती हैं कि तुम्हें याद नहीं था ये वो, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलें आपको कहीं लेके चलते हैं बाहर. अभी मम्मा को लेके जाती हूँ, उनकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाती हूँ, कोई थोड़ी ड्राइव पर लेके जाती हूँ, सॉन्ग सुनाती हूँ, तो मम्मा का मूड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा. और कैंडल्स लूँ, लेकिन आइसक्रीम पर कैंडल्स कौन लगाएगा, बस मम्मा के लिए यही हम सेलिब्रेशन करेंगे आज. और फ्लावर्स मिलेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि फ्लावर्स ले लूँ मम्मा के लिए. और यही होगा. आप लोगों ने भी अपनी मदर्स को विश तो ऑब्वियसली किया होगा, बस मैं तो फल्ला मुझे भूल गया, मुझे बहुत गिल्ट है इस बात का, लेकिन कोई बात नहीं. मम्मा की बर्थडे, शुक्र है मम्मा तो ऐसे कह रही थी जैसे मैं बर्थडे भूल गई उनकी, कहती तुम एक दिन वो भी भूल जाओगी. लेकिन शुक्र है, लेकिन बर्थडे नहीं भूलती कभी भी, बस मदर्स डे का भूल गई थोड़ा. तो अब निकलते हैं इससे पहले कि और लेट हो, आइसक्रीम बंद हो और मम्मा और नाराज़ हो जाए. चलें अब निकलते हैं. और मैंने अपने जूते चेंज कर लिए, मैंने जूते में स्लीपर्स ही पहन रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे गर्मी लगती है. ठीक है, और अब चलते हैं. एक तो पता नहीं क्या होता है, जब भी मैं घर आती हूँ या तो मेरी चार्जिंग कम होती है, ऑब्वियसली चार्जिंग तो कम होगी, लेकिन बस जब भी मैंने बाहर निकलना होता है ना, चार्जिंग मेरी 20% है. अब मुझे सॉन्ग्स भी चलाने हैं गाड़ी में और साथ साथ व्लॉग भी करना है. अभी अल्लाह करे कि ये चल जाए चार्जिंग, वरना व्लॉग नहीं हो सके. चलें जी अब निकलते हैं. चलें जी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं. लेट्स गो. दानिया नहीं है, वरना हम बड़ी सेलिब्रेशन करते, मतलब केक लेके आते, मम्मा को अच्छे से सरप्राइज करते. उसने तो पता है क्या चला के किया, उसने 12 बजे मम्मा को विश कर दिया. बस बहुत तेज है वो. खैर लेकिन ये है कि अगर उसने होना था तो फिर हम लोग जरा ज्यादा बड़ा सरप्राइज करते, मम्मा को सेलिब्रेट करते पूरा. लेकिन कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सेलिब्रेशन हो हर चीज़ की, बस जेस्चर्स ही बहुत होते हैं. लव माय मदर, इस चीज़ के लिए मदर्स डे का होना ज़रूरी नहीं है, बट एक स्पेशल फील हो जाता है मदर्स को. तो ये है कि डॉटर्स डे भी होना चाहिए, मेरे मम्मा का डॉटर्स डे भी है. मैं ढूंढ के बताऊंगी डेट के डॉटर्स डे कौन सी डे को होता है. आई लव माई मदर इससे ज़्यादा, मतलब आई कॉन्ट एक्सप्लेन इन वर्ड्स ऑब्वियसली. मम्मा को आइसक्रीम खाने से पहले यहाँ आना था, अभी हम यहाँ आए हैं, मम्मा की चीज़ें देख रहे हैं, मम्मा अपने कपड़े देख रही हैं, वो देख के फिर हम चलेंगे. और इनकी अच्छी सी सेल भी लगी हुई है, बट आई डोंट वेयर शलवार कमीज इज मच.
बल्कि मुझे लेने चाहिए, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ ना, मसला ये है, सिर्फ ईद पे पहनती हूँ। मेरी ईद वाला पड़ा है। ओके गाइस, हम आ चुके हैं। दो चॉकलेट चिप कर दें, मैं कर देती हूँ पार्क। हाँ जी, दो चॉकलेट, ठीक है, गाड़ी में पहनना। हाँ जी, चले मैं अभी ले आता हूँ। ले जाना डिस्पोजेबल में, और वो वेफर्स जो है ना, एक में दो लगाइएगा। नहीं नहीं, एक में एक ही लगाए, लेकिन पूरा तो लगाया, आधा आधा तोड़ के लगाया। मम्मा कह रही है कि वो आप तोड़ के लगाते हो, आधा एक में लगा देते हैं, का पूरा वेफर होगा। ठीक है, उस दिन आपने आधा आधा लगाया था। मम्मा लगाया, वैसे ही होते हैं वो, पूरी चॉकलेट होती है ना, बीच में से तोड़ के फिर लगाते हैं। ये गाड़ी हटाएं तो मैं यहाँ पार्क करूँ, क्योंकि मैं ना बीच पे खड़ी हुई हूँ। तो ओके, चले गए चले गए, अब हम पार्क करते हैं यहाँ पे। ये ठीक है, अब ठीक है। ओ सॉरी मामा, बिल, ओ सॉरी, मेरा वॉलेट के नहीं, उन्होंने बताया नहीं किसा हुआ। थोड़ी देर तक ले लें, अभी ले लें, थोड़ी देर तक ले जाना, अभी नहीं। ओके गाइस, हमारी आइसक्रीम्स आ गई हैं, एंड मम्मा का मुंह बना हुआ है। ये मेरी आइसक्रीम है, मम्मा जो है वो नहीं ला रही अपनी आइसक्रीम, क्योंकि शी इज नॉट कमिंग इन व्लॉग। खैर, ये मेरी आइसक्रीम है, और मम्मा अब आप खुश हैं हैं या नहीं? हाँ या ना बोल दें? नहीं, अभी तक नहीं है। मैं आइसक्रीम कभी नहीं खरीदूंगी मम्मा, ये स्पेशल आइसक्रीम है, मैं लेके आई हूँ आपको। मम्मा तो किसी इंसान से ही कहते राजी नहीं होता। मम्मा अभी तो कुछ नहीं है। मम्मा मेरी मम्मा बहुत नाशुक्रिया है गाइस। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी मम्मा किसी से भी बात पे खुशी नहीं होती। गाइस अब हमें बाहर अपनी बातें बस आ कर रही हूँ। मम्मा खुश है, बस वो कह रही है आई कांट शो इन यू, आई कांट एक्सप्रेस। Obviously, मैं यही कहूंगी। अच्छा खैर, मैं अपनी आइसक्रीम खाती हूँ, मेल्ट हो रही है क्या? ठीक है गाइस, हमने खाना खा, ओ सॉरी, हमने आइसक्रीम खा ली, अब हम घर जा रहे हैं, और मम्मा बेबी खुश ही नहीं है। ओके गाइस, मैं घर आ गई हूँ, मम्मा को घुमा फिर आके ले आए हैं, और मम्मा को फिर मैंने जरा मूड छूट ठीक किया मम्मा का, तो अब शुक्र है मम्मा ठीक है, नाराज नहीं है। तो अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं खाने में क्या है। खैर, अभी इतनी भूख तो नहीं लग रही, अभी थोड़ा चेंज करती हूँ, लेटती हूँ, फिर देखूंगी अगर थोड़ी भूख लग गई तो खा लूंगी। ओके गाइज, मैं ये वाली शर्ट भी ले आई हूँ, ये जो मैंने लाइनिंग वाली देखी थी ना, तो आज मेरा चक्कर लगा, मैंने ये भी ले ली है, और बस इसको हैंग करके अलमारी में रखते हैं। मैंने अपना फेस वगैरह वॉश कर लिया, मेकअप वगैरह उतार लिया, बाहर से होके हम आ गए हैं, शर्ट भी मैंने हैंग करके रख दी है। अब मैं डाल रही हूँ, मम्मा ने आज ये बनाया है फ्राइड नहीं, पता नहीं ये आलू का कोई सालन है, और मैं सुबह के लिए भी निकाल लेती हूँ, और अभी भी खा लेते हैं क्योंकि मुझे भूख लग रही है। ये सुबह के लिए मैं लंच बॉक्स में डाल के रख रही हूँ। ये आ गई मेरी सब्जी, ये बहुत यम्मी बनाई है मम्मा ने, आज कुछ डिफरेंट तरह से बनाई है। ये सब्जी आ गई मेरी, ये घर की रोटी आ गई, ये इसको यहाँ रखते हैं, इसके ऊपर ये इसको यहाँ आ गया, एंड वी विल पैक इट। ओ, मेरा सुबह का अचार भी पड़ा हुआ है, इसको अब हम रख देंगे फ्रीजर में ताकि फ्रीज हो जाए। ये आ गया यहाँ पे, ये आ गई हमारी प्लेट, और इसमें हम अपना खाना गर्म करते हैं क्योंकि आई एम हंग्री। चलें जी, इसको रखते हैं हम माइक्रोवेव में, और 30 सेकेंड्स बहुत है इसको गर्म होते हैं। गर्म ये आ गया, हो गया गर्म, ये इसको हम निकालते हैं और डाइनिंग टेबल पे लेके चलते हैं। मैं अपना खाना खा रही हूँ, और ये रोटी है, मम्मा ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, एंड एज यू गाइज ऑल नो आई लव सब्जी। ये देखिए मज़े का, बहुत यमी सी सब्जी बनाई हुई है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी, आज मम्मा को लेके गई बाहर, आइसक्रीम खिलाई, उन्हें ड्राइव पे लेके गई हमने कुछ, और आज सेल थी, मम्मा ने इतना घुमाया ब्रांड्स पे, बस मम्मा ने भी थोड़ी बहुत चीज़ें ली, मैंने भी अपनी लिए एक शर्ट ली है, और बस हमें मज़ा आया काफ़ी, और मम्मा का मूड भी चेयर अप हो गया था।
मैंने कहा मामा मूवमेंट्स वापस नहीं आएंगे प्लीज ठीक हो जाए, फिर नाराज हो तो मामा ऑब्वियसली क्यूट सी हैं, मामा तो हर किसी की अच्छी क्यूट सी होती हैं, तो मामा फौरन मान गई। और बस दानिया को हमने बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया मदर्स डे पे, क्योंकि अगर उसने होना था ना हमने कुछ मतलब वी शुड हैव प्लान्ड समथिंग बिगर। तो खैर कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा कोई ना कोई इवेंट आ जाएगा, कोई ना कोई ऐसे डे आ जाएगा स्पेशल डे, मामा को फिर हम सरप्राइज कर देंगे। आज इस बार नहीं हो सका तो कोई बात नहीं, और बस हम ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर गाइस, बाय बाय।